नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए एक नजर डाल लेते हैं प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। रीट परीक्षा को फिर से कराने की मांग उठ रही है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को स्थिति पूरी तरीके से साफ कर दी है। सीएम गहलोत ने साफ शब्दों में कहा है कि एक दो सेंटरों पर पेपर आउट होने जैसी बात है तो वहाँ फिर से परीक्षा करा दी जाएगी, लेकिन पूरी रीट परीक्षा फिर से नहीं होगी। लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। सीएम ने कहा है कि रीट परीक्षा में ऐसे प्रबंध हुए हैं वैसे आज तक नहीं हुए। यह बात विपक्ष के नेताओं को पच नहीं रही है। अशोक गहलोत ने कहा है कि पेपर तो भाजपा के शासन में भी कई बार आउट हुए हैं। सीएम ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग नेता बनने के लिए अफवाहें फैला रहे हैं, यदि कोई सच्चाई है तो हमारे सामने लाइए। सीएम ने कहा है कि मैं वादा करता हूं किसी को नहीं बख्शा जाएगा। सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि रीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। अगर किसी सेंटर की शिकायत सही पाई गई है तो वहाँ पेपर दोबारा हो सकते हैं। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर, बाड़मेर जिले के समदड़ी में खंडप गांव में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में सोमवार को दिन दहाड़े लूट की बड़ी घटना हुई है। तीन नकाबपोश लुटेरे आए और पिस्टल की नोक पर लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। बैंक में ग्राहकों की भीड़ होने के बावजूद उन्होंने लूट को अंजाम दिया है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। SBI बैंक में दिन दहाड़े तीन शातिर बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम देकर 5,23,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि तीनों लुटेरे बाइक पर सवार होकर आए थे और बाइक पर सवार होकर तीनों भेरोड़ा की तरफ निकल गए। पुलिस अब लुटेरों का पता लगाने में जुटी है। एक और बड़ी खबर, हनुमानगढ़ जिले में धान की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार सोमवार सुबह किसान संगठनों के नेता और सीटू कार्यकर्ता धान में भरी हुई ट्रॉलियां लेकर सीधे जिला कलेक्ट्रेट पहुंच गए। इस दौरान पुलिस के जवानों और किसानों के बीच जबरदस्त धक्का मुक्की हुई। कुछ किसान गेट खोलकर कलेक्ट्रेट में घुस गए। मामले को संभलता हुआ नहीं देखकर पुलिस ने लाठियां भांजनी शुरू कर दी। चार किसान और दो पुलिसकर्मी इस दौरान घायल हो गए। पूरी घटना को लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल आग बबूला हो गए। उन्होंने किसानों के समर्थन ट्वीट करते हुए प्रदेश की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बेनीवाल ने कहा है कि ऐसा कृत्य प्रदेश सरकार के किसानों के प्रति संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने पुलिस लाठी चार्ज पर गहरी नाराजगी भी जताई है। एक और बड़ी खबर, सोमवार करीब 9:15 बजे भारत समेत दुनिया भर के तमाम देशों में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप डाउन हो गया था। तड़के करीब 4 बजे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की सेवा फिर से शुरू हो गई है। करीब 6 घंटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप डाउन रहे। हालांकि अब यह वेबसाइट एक बार फिर बहाल हो गई है, लेकिन साइट अभी भी धीमी है। एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद की बैठक होगी। इस बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आपको बता दें, आज पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी जयपुर में भोज कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। एक और बड़ी अपडेट, लखीमपुर हिंसा के विरोध में कांग्रेस पार्टी आज पूरे राजस्थान में विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट पर सुबह 11 बजे प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ी अपडेट, मौसम विभाग ने आज कोटा संभाग में बारिश की संभावना जताई है। विभाग की माने तो आज पूर्वी राजस्थान में कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की संभावना है, बाकी समूचे राजस्थान का मौसम साफ रहेगा। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में अब ज्यादा बारिश की संभावना नहीं नजर आ रही है। तो यही थी प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन के निशान को दबा लीजिए ताकि अगले वीडियो की सूचना आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।